भाई सोडा खत्म होने को आया, बाकी लोग है किधर? अरे हाँ, अपने दोस्त यार किधर हैं? हाथी भाई का पता नहीं है, पोपटलाल घर पे ही है। और अय्यर साहब बबीता जी के साथ सवेरे से बाहर गए हुए, अभी तक आए नहीं। अरे अय्यर साहब कहाँ हैं आप? अरे आओ भाई, जल्दी आओ, कहाँ हो? अरे नहीं यार, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे भाई अय्यर साहब रास्ते में, लेकिन अभी 10-15 मिनट और लगेंगे। ले भाई अब्दुल पैसा काट। 10-15 मिनट में बबीता जी आ रही है तो उनके दर्शन करके दिन की पूर्णावती करनी चाहिए भाई। चलो जी, मजा आ गया। अब्दुल अब्दुल बड़ा टेस्टी थी यार। अरे मैं क्या बोलता हूँ, बहुत दिन हो गए गार्डन में बैठे नहीं, जरा बैठते गप्पे सप्पे लड़ाते हैं, क्या बोलते हैं छोटे? तो बिल्कुल चेटा अपना, मजा आ जाएगा, घूम गप्पे सप्पे लगाते हैं। चलो 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 चलो। अरे भाई इतना बढ़िया गार्डन है, चलो बैठ जाते हैं। क्या कर रही है रीटा? बच गया ना। अरे यार गाड़ी तो देखो मुस्कुरी कर दी। अरे इतनी रात को कहाँ जा रही है? खबर वाले हैं, इनका 24 घंटे कुछ काम होगा, अपने को क्या पता है यार। अरे दया भाभी, वैलेंटाइन नहीं, वैलेंटाइन डे। हाँ मुझे पता है, और उस दिन ना वो लाल लाल गुलाब देते हैं, लाल लाल कपड़े पहनते हैं, फिर सब लोग लाल दिल लेकर घूमते हैं। पर मुझे ये बताए कि ये लाल रंग और वैलेंटाइन, ये दोनों का संबंध क्या है? लाल रंग इसलिए क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक होता है, और वैलेंटाइन मतलब जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा जिंदगी में प्यार करते हैं, जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, उस इंसान को इस दिन हम सम्मान देते हैं। अच्छा, तो टप्पू के पापा मेरे वैलेंटाइन हुए। पता है वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल डे होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रोमांस बना होता है। एक दूसरे के साथ बाहर घूमने जाते हैं, गुलाब देते हैं, एक दूसरे को कार्ड्स देते हैं, प्यार का इजहार करते हैं, मस्ती करते हैं। और पता है गांव में तो लाल रंग देखकर बैल पीछे पड़ता है। बस बस, इतना हुआ? अरे लो बबीता जी आ गई। देखो बबीता, आज के बाद तुम्हारे साथ में शॉपिंग के लिए कभी भी नहीं आने वाली हूँ। बबीता, अमी तुम्हारे फोन पर तो शूटिंग चाहिए, ठीक है? ठीक है, मेरी बात मत सुनो, लेकिन रात के खाने का क्या है? वो जो हमने पूरे दिन में एक सैंडविच खाया था, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरा? बबीता, अरे अरे भाई, ये भाई आओ, चलो गप्पे लड़ाते। अब्दुल जाब पर कोई नहीं है। अरे भाई सब गार्डन में, मुझे अभी सोडी का फोन आया था, चलो चलो आओ चलो। अरे भाई अय्यर साहब, पोपटलाल कहाँ? सोडा साहब? नहीं नहीं, सब लोग गार्डन में बैठे हैं, चलिए चलिए। आप भी आओ, मैं भी आता हूँ। आओ भाई आओ। सूट है बबीता, तू इतने गुस्से गुस्से में क्यों है? हाँ ये अय्यर भी ना, हम लोग सुबह से शॉपिंग के लिए निकले हैं, कुछ पसंद नहीं आया उसको। जो मुझे पसंद आता था ना, उसको बिल्कुल नहीं पसंद आता था। देखियो बबीता जी, ऐसी छोटी छोटी बात में झगड़ा नहीं करना चाहिए। सच्ची बात है। देखिए अय्यर भाई को कोई चीज पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने नहीं ली होगी, है ना? हाँ। और पता है मेरी माँ कहती है कि पति की जिम्मेदारी घर में खर्च देखने की होती है, और पत्नी की जिम्मेदारी घर में संस्कार बनाए रखने की होती है। अगर अगर पत्नी ही झगड़ा करेगी तो कुटुंब संस्कार कैसे कहलाएगा? बराबर कहा गया भाभी ने। सोड़ी कैसा है? पोपट रहो, या 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 बहुत डॉक्टर हाथी, क्या बात है। अरे अय्यर भाई, आप अकेले आए? बबीता जी कहाँ है? क्यों वो यहाँ पर क्यों आएगी? नहीं मतलब आप दोनों साथ में गए थे ना शॉपिंग में, तो आप अकेले ही वापस आ गए? जेठा लाल, हम शॉपिंग साथ गए थे और साथ ही आए हैं। वो उधर लेडीज लोगों के साथ बैठी है। वो तो ठीक है अय्यर साहब, लेकिन आपके मिजाज इतने उखड़े उखड़े क्यों नजर आ रहे हैं? छोड़ा ना मेहता साहब। छोड़िए मतलब क्या, बताइए तो बात क्या हुई है? हाँ क्या हुआ? मैं और बबीता शॉपिंग करने गए। बोलो अब क्या बोलने का बबीता को?
कुछ भी बोलो, गलती अय्यर भाई तुम्हारी है। चलो चलो आओ, सॉरी बोलो बबीता जी को। चलो अरे जाड़ा लाल, मैं क्यों सॉरी बोलेगा, मैंने क्या गलती की है? अब मुझे जो भी चीज पसंद आती थी बबीता उसको रिजेक्ट कर देती थी। मतलब इन दोनों की पसंद मिलती ही नहीं है। आप भी हद करते हो यार अय्यर साहब। अरे बीवी के साथ पूरे दिन मार्केट में घूम रहे और शॉपिंग नहीं करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा? अरे उसका दिल रखने के लिए कुछ खरीद लेते। अरे मेहता साहब कैसी बात कर रहे हो आप, जो चीज पसंद नहीं है उसको कैसे ले सकते हैं? बाद में वही चीज घर में कोने में पड़ी रहती है। जैसे अय्यर भाई। जेठालाल क्या मतलब? मतलब जैसे अय्यर भाई अड़े हुए जिद्दी। बराबर बोला मेहता साहब ने। अरे भाई बबीता जी का दिल रखने के लिए भले अपने को नहीं पसंद है, कुछ ना कुछ ऐसा ले लेने का। भाई मेरा घर में तो आधी से ज्यादा चीज ऐसे ही पड़ी है, तो कौन मगजमारी करेगा? ले लो बोल देता हूँ मैं तो। सही बात है। हाँ भाई एकदम सही बात है अय्यर, गलती तुम्हारी ही है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे तूने तो शादी की नहीं है पोपट, इसलिए तेरे को पता नहीं है कि शादी के बाद होता क्या है। पोपटलाल तुमको मालूम नहीं है, ये लेडीज हमेशा कंफ्यूज रहती है, इसीलिए गलत चीज सिलेक्ट कर लेती है और उसका दोष हम लोगों के ऊपर मढ़ देती है। दुनिया में एक भी वैज्ञानिक ऐसी मशीन नहीं बना पाया जो औरतों के इस जटिल दिमाग को समझ सके। हम मर्द क्या खाक समझेंगे, हमेशा परेशान रहते हैं। और उनको तो सिर्फ झगड़ने का मौका चाहिए। बिल्कुल बराबर। अरे मम्मी आंटी आप सब गार्डन में जाकर सुनिए, अंकल लोग आप सबकी कितनी बुराइयां कर रहे हैं। क्या अच्छा तो वो लोग वहाँ पे हमारी बुराई कर रहे हैं, चलो जाकर देखते हैं। सही बात है। अरे अभी अभी बाकायदा रिसर्च भी हुआ है जिससे पता चला कि सबसे ज्यादा अकड़ू और झगड़ालू औरतें ही होती है। हाँ सही बात है। अरे आपकी बात तो सही है डॉक्टर आती, लेकिन इनकी बातें सुन लो, औरतों के पास कुछ बातें फिक्स है, दिन भर वही करती है। तुम में तो अकेली नहीं है। हाँ। मैं नहीं होती तो तुम्हारा होता क्या? हाँ। अरे मुझसे शादी नहीं होती तो कुंवारे डोल रहे होते। अरे मैं चली जाऊंगी तब पता चलेगा कि जीवन साथी होता क्या है, दिन भर सुनो ये बातें। सेम सेम टू सेम डायलॉग, सारी दुनिया की औरतें यही बोलती है। और पोपट तो सुन क्या रहा है? ये सारी बातें जो मेहता साहब ने बोली है ना, गांठ बांध के रख ले, और शादी होने के बाद ये सारे अनुभव तेरे काम आएंगे। सही बात है। बराबर भाई आप लोगों की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। सुखी रहेगा। डर गए बबड़लाल, तूने अभी हम शादीशुदा लोगों की ट्रेजेडी सुनी कहाँ है? मुझे सुननी भी नहीं है। बबड़लाल वाइफ घर में सुनती नहीं है, कम से कम तुम तो सुन लो। अरे यार साहब बीवी को अगर अपनी बात सुनानी हो ना तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया इलाज है, नींद पे बोलना शुरू कर दो। बड़ास निकल जाएगी दिल की। ऐसा लगेगा कि तुमने भी बोल दिया और उसने भी सुन लिया। कोई फायदा नहीं है मेहता साहब, ये औरतें होती है ना वो सिर्फ अपनी मतलब की और अपनी काम की ही बातें सुनती है। अब जैसे मैंने बोला कि भाई हमारे जमाने में या भाई अभी तुम्हारा जमाना इधर चालू मत करना प्लीज। बस ऐसे ही बोल के माधवी मेरी बात काट देती है। होता बराबर करते हैं माधवी भाभी। यार मेरी रोशन का भी यही प्रॉब्लम है, वो मैं जब भी पार्टी शाड़ी की बात करता हूँ ना उसका तो हॉर्न बजना ही शुरू हो जाता है, कुछ सुनती नहीं है यार, बोलती चली जाती है रुकती नहीं है। सही बात है। सही बात ही बात है। अरे भाई इनसे बहस में जितना मतलब और बिजली के बल्ब को ऐसा फूंक मार के बुझाने जैसा है। ए, मेरे दया भी दिखती है कबूतर जैसी भोली भाली, लेकिन कौवे की चोंच ऐसे पर्स में छुपा के रखती है, मौका मिलते ही चोंच पहन के करती हो। सही कह रहे हो जेठालाल, औरतों के इन बदलते रूप को भगवान भी नहीं समझ पाया। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है। बोलिए
भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई बहुत फुर्सत से, फिर थोड़ा दिन आराम किया, फिर भगवान ने हम मर्दों को बनाया, फिर थोड़ा दिन और आराम किया, फिर भगवान ने बनाई औरतें, उसके बाद न भगवान ने आराम किया न हम मर्दों ने। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत पुराना जोक है, बहुत सुना है। अरे कितना ही पुराना हो, रहता हमेशा सच यही है। ये तो एकदम सही बात है। खाना चाहिए होता है तब कोमल याद आती है, और अब बुराई कर रहे हो। आओ घर पे आओ। वैसे वो किसी ने कहा है ना, बहुत सही कहा है कि औरतों की अकल घुटनों में रहती है भाई। अरे मैं तो कहता हूँ कि ये कहावत बनाने वाले का मंदिर बनाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा। बाबा तुम लोग यहाँ अंजलि। हाँ जी, वैसे आपने बिल्कुल सच कहा कि औरतों में अक्ल होती ही नहीं है। क्योंकि अगर औरतों में अक्ल होती तो आप सबको पसंद क्यों करते? हम तो यहाँ पे ऐसे ही मजाक कर रहे थे, ऐसे ही कॉमेडी क्यों है? मजाक कर रहे थे, मजाक। हाँ गम्मत माधवी। काय माधवी, काय माधवी, आपको मुझसे कंप्लेंट थी तो मुझे कहते, सबके सामने न्यूज बनाने की क्या जरूरत थी? माधवी आइकुन देखे, अरे हम लोग जनरल बातें कर रहे थे। बिल्कुल एकदम जनरल, औरतों के बारे में बात कर रहे थे, आप लोगों के बारे में नहीं। जनरल? अरे बिल्कुल आप लोगों के बारे में ऐसा सोच सकते हैं हम, करता ही नहीं, गलत फहमी हो गई है आप लोगों को। अरे नहीं रे नहीं, हम लोग को कोई गलत फहमी नहीं हुई है। हम लोग ने सारी बातें अपने कानों से सुनी है। छोड़ो ना रोशन भाभी, अब बात करने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। और क्या अंजलि, नहीं तो हमारी बुद्धि को ही ताना मारेंगे। माधवी मेरी बात सुनो, अब जो भी बात होगी वो घर पर होगी। आप घर पे आओ, मेरी अकड़ और अकल का नमूना दिखा दूं आपको। अरे देवा, वैसे अच्छा हुआ कि गोली ने हमें सब कुछ बता दिया, तब जाके पता चला कि सोडा शॉप पे रोज होता क्या है। हमारी पीठ पीछे बुराई करते हो। हंस, घर पे खाना मांगो, बता दियो तुमको। अरे आते है भाई, अपने गोली को बांध के क्यों नहीं रखा? अरे बांध के रखूं फिर भी वो भाग जाएगा। नहीं हाथी भाई, इसमें गोली की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है जेठालाल। मेरी क्या गलती भाई? अरे अच्छा खासा घर जा रहे थे, तुमने बोला ना गार्डन में बैठ के गप्पे मारते हैं। देखो भाई गलती मेरी नहीं है, गलती अय्यर भाई की है। जेठालाल मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं तो और किसकी गलती है? बबीता जी के साथ तुम शॉपिंग करने गए, बराबर? अच्छा शॉपिंग करने गए, कुछ शॉपिंग नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया कोई बात नहीं, सीधा घर पे क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? बेटा लाल मैं घर पर ही जा रहा था, वो तो ये पोपट लाल मेरे को इधर लेके आ गया। ये भाई तुम अपने झगड़े में मुझे क्यों घसीट रहे हो? ये तो सोडी ने मुझे फोन किया था इसलिए मैं आ गया यहाँ पर। अरे वो तो मेहता साहब ने अय्यर को फोन किया था इसलिए मैंने तेरे को फोन किया था यार। अरे तो मुझे क्या सपने आ रहे थे अय्यर को फोन करने के? जेठालाल ने याद किया अय्यर को तो मैंने फोन कर दिया। तो अब्दुल, अब्दुल की वजह से यह सब हुआ है। अब्दुल का क्या जरूरत है बोलने की? हाथी भाई का मुझे पता नहीं है, पोपट लाल घर पे है और अय्यर भाई शॉपिंग पे गए। अगर वो बोल देता कि भाई मुझे कुछ पता नहीं है कौन कहाँ है तो बात उधर ही खत्म हो गई होती, हम लोग इधर गार्डन में आते ही नहीं। आज कुछ हुआ ना तो ये अब्दुल बचने वाला नहीं है यार। ओ मेहता साहब ये सारी बातें छोड़ो, अब अपनी अपनी बीवियों को कैसे मनाएंगे ये सोचो यार। हाँ सही बात है। हाँ मेहता साहब अब क्या करे? अरे करे क्या, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें शक्ति दे, क्योंकि घर तो जाना पड़ेगा। और घर पे क्या होने वाला है नहीं मालूम भैया, तैयार रहो, दरवाजा भी खुलता है कि नहीं, क्योंकि आज की रात तो कयामत की रात है। कल मिलेंगे अगर जिंदा रहे तो। हाँ? हाँ? हाँ?
दया जरा चूरण दोगे? दया ये क्या, पानी के बिना चूरन कैसे खा सकते हैं? पानी नहीं ले साथ में? अच्छा, पानी के साथ चूरन खाता है? सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था। सुन रहे हो? पानी के साथ चूरन खाते हैं? किसके साथ बात कर रही है? मेरी अंकल से। मेरी अंकल घुटनों में है ना? दया तू तो एकदम सीरियस हो गई। अरे मैं तो जोक मार रहा था। जोक? ऐसा कैसा जोक जिसमें हंसी ही ना है? कोई कोई होते ऐसे जोक, सीरियस जोक। देख इसमें भी आई हंसी नहीं, सीरियस। पानी पानी लेके आ। तभी भगवान अकल बांट रहा था, तभी कहाँ घूम रही थी? तो आपके साथ फेरे ले रही थी। ऐसा थोड़ी होता है, इतना सारा काम करो, घर संभालो, परिवार संभालो, बच्चे संभालो, और फिर कुछ जस नहीं होता, जो होता नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। बस अबे मच्छर की तरह घुण 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 करना बंद कर। अच्छा, अभी मैं मच्छर? तो वो कौवे का क्या हुआ जिसकी चोंच मैंने पर्स में छुपा के रखी है? बोलिए। अरे बोलते क्यों नहीं? मैं सब मुझे डांटते रहते हैं, सबके सामने टोकते रहते हैं, फिर भी मैं हूँ कि कुछ नहीं बोलती, चुप रहती हूँ मैं। चुप रहती हूँ करके कितना बोल रही है तू? अभी क्यों चुप हो गई? बोल 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 बोल। मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। पर क्यों बोलूं? आप कहे इसलिए मैं बोलूं? बिल्कुल नहीं। आश तो मत बोल। मैं बोलूंगी, बोलती ही रहूंगी, और इतना बोलूंगी कि कोई रोक नहीं पाएगा। वाह, ये क्या हुआ? आप कहे चुप तो मैं चुप हो जाऊं, आप कहे बोल तो मैं बोलूं? बिल्कुल नहीं, मैं बोलूंगी। तो बोल। मेहता साहब बोलने के पहले सोच तो लेते, अब मनाओगे कैसे? अब आप अंजलि अंजलि अंजलि, ये तकिया और चादर अंजलि यहाँ सोफे पे, ये तुम एडजस्ट नहीं होगी, नींद नहीं आएगी तुम्हें यहाँ पे। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। मेरे लिए का क्या मतलब है? मैं ऐसे थोड़ी होता है अंजलि। ऐसे ही होता है। क्या कहा था आपने कि औरत को बनाने के बाद भगवान और पुरुष आज तक चैन से सो नहीं सके, तो पुरुष सोइए चैन से, यही सोइए। क्या अंजलि ऐसे छोटी सी बात को ऐसा बतंगड़ बना रही? सॉरी बोलता हूँ ना, सॉरी। अच्छा, सॉरी सॉरी यानी मेहरबान कर रहे हो मुझ पर? नहीं नहीं, दिल से, वेरी सॉरी, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। अपना ये दिल है ना, अपने पास ही रखिए और आज यही सोइए, समझे? अब अंजलि
आदमी जाने दो ना। अरे सॉरी बोला ना मैंने, और इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे वो सारी जनरल बातें हो रही थी। अच्छा हम औरतें आकड़ू है ये जनरल बात है? नहीं नहीं माधवी तुम तो काफी समझदार हो। नहीं नहीं मैं कहाँ समझदार हूँ, अरे हम औरतों की अकल तो घुटनों में होती है। और ये कहावत बनाने वाले का मंदिर बनाना है ना पुजारी? अरे लेकिन मैं सोऊं कहाँ माधवी? बालकनी खाली है। कहते हैं गोमा मैंने कहा कुछ कहा? सही बात है। तुम नाराज क्यों हो रही हो? हर बात में सही बात है, सही बात है कह रहे थे ना इसीलिए। सॉरी कोमल, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। गुड नाइट। क्या मुसीबत है, सही बात बोलना भी गलत बात हो गई। और रोशन तो सारे सुनते सही मेरी गलत रोशन तो। अरे हम औरतों की जुबान में तो ब्रेक ही नहीं होती ना। ओए रोशन मेरी प्यारी जान, अरे मैं तो गड्डी की ब्रेक की बात कर रहा था। ओ तेरे को बुरा लग गया तो आई एम सो सॉरी यार। कोई सॉरी वॉरी नहीं, अब तू आखी रात यही बालकनी में सो। ओए रोशन मुझे तेरे बगैर नींद नहीं आती यार। आज आ जाएगी बालकनी की ठंडी ठंडी हवा में। रोशन सुन, रोशन सुन। वेलकम सोड़ी। ओए यारा तू भी? सिर्फ मैं नहीं, नीचे देखो डॉक्टर हाथी आप भी। हाँ मैं भी। अरे क्या बात है भाई लोग, सब लोग बाहर है, सोना नहीं है क्या? इसीलिए बाहर आया जेठालाल। मतलब ओ यार रोशन ने धक्के मार के बाहर बालकनी में भेज दिया। मुझे भी हा? आपको भी रोशन भाभी ने बाहर भेजा? और डॉक्टर आती है आपको रोशन ने कब घर से बाहर निकाला? अरे सोडी मुझे बोलने तो दो, मुझे कोमल ने निकाला है। ओए जेठा प्रा उनको कोमल भाभी ने बाहर निकाला है यार। अने वो बोले ना मुझे भी, इसलिए थोड़ी गलत फहमी हो गई। अने तुमचा काय भिड़े मित्र मंडल, तुम्हाला पण माधवी भाभी। अरे दूसरा कोण है आयुष्यात? तो एक ही वो बहुत है। ओए हम लोग तो सारे बाहर हैं, पर ये मेहता साहब और अय्यर तो चैन की नींद सो रहे हैं। अरे भाई सोड़ी मेहता साहब तो शायर किस्म के आदमी है ना, कोई अच्छी सी शायरी सुना के अंजलि भाभी को पटा लिया होगा। अरे नहीं भाई नहीं। किसे शायरी सुनाए दोस्तों, कोई शायरी वायरी काम नहीं आई। अरे बाप रे, मतलब आप भी? और क्या, दुख के बादल छटने को तैयार नहीं है और अंजलि शायरी से भी पटने को तैयार नहीं है। वाह वाह, इसी में भी शायरी बोलो। अरे लेकिन भाइयों एक बात समझ में आई, अय्यर अय्यर तो शांति से सो रहे हैं, सारे झड़के फसाता हुआ है। हाँ झगड़ा उसने शुरू किया और वो सो रहा है अंदर। ए सोड़े उठा उसको, उठा बुलाओ बुलाओ बुलाओ। हाँ जेठा प्रा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अय्यर 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 बाहर निकल। अय्यर ये उठ रहे अय्यर उठ। अरे क्या आराम से सो रहा है, बाहर निकल। अय्यर बाहर फेंको, बाहर फेंको, बाहर दांत बना के रखा हुआ है, बाहर निकल। अरे हाँ बोलो। अरे बाहर तो शक्ल तो दिखा यार। किधर से बोल रहे हैं? अरे मैं इधर हूँ। अबू हम लोग यहाँ पे परेशान है और ये गार्डन में घूम रहे हैं। घूमने राजा आत्माराम, गार्डन में सो रहा था। हाँ हमारी तरह क्या बात है, ने दरवाजा खोला ही नहीं। या बढ़िया, या बराबर है, तो बहुत अच्छा भाई। कोई कुछ बोलना होता भी रिटा आ रही है। चुप 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 चुप। अरे
झोपे गेला जागाओ जागाओ काय झोपता सो मत नहीं तो पता चल जाएगा। हेलो हेलो मेहता साहब। हेलो हेलो रीटा हाउ आर यू। आई एम फाइन। सब ठीक तो है ना? एनी न्यूज? नहीं नहीं रीटा कोई न्यूज नहीं है, वैसे ही कोई न्यूज नहीं है। ओ ओ मेहता साहब कैसे कोई न्यूज नहीं है? अरे हमारी बीवी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, ये बड़ी न्यूज नहीं है क्या? एक मिनट छोड़ी छोड़ी एक मिनट मैं समझाता हूँ रीटा तुम्हें। हुआ यूं कि हम सब गार्डन में बैठ के बातें कर रहे थे, तो इस तरह से हमसे वो ऐसी नाराज हुई कि अब क्या बताएं, घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन रीटा देखो प्लीज, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, फैमिली मैटर है, इसकी न्यूज़ मत बना देना। प्लीज बताना नहीं यार किसी को। बोलो ये अभी प्लीज प्लीज कर रहा है। आता प्लीज बोलते है। हाँ हाँ बाबा मैं नहीं बनाऊंगी इसकी न्यूज़। और वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी का हिस्सा होने के अलावा मैं एक जिम्मेदार रिपोर्टर भी हूँ, और हम रिपोर्टर्स के बाद अच्छी तरह से पता होती है कि हमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। शाबाश। वेल आप लोगों की बीवियों को मनाने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या बताओ ना प्लीज। वो क्या जल्दी बताओ। परसों वैलेंटाइंस डे है, तो आप सभी लोग अपनी अपनी बीवियों को बाहर ले जाइए, उन्हें घुमाइए, अच्छे अच्छे गिफ्ट दीजिए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उन्हें खाना खिलाइए, यानी कि अपना प्यार जताइए। फिर देखिए आप लोगों की बीवियां ना यूं मान जाएंगी और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हारा रीटा क्या आईडिया दिया, अब तो रोज मान लेगी। सही बात है। क्या बात है रीटा, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या आईडिया हो रहा है, तो बहुत बढ़िया आईडिया दिया है रीटा। थोड़ा खर्चा है लेकिन अच्छा है, अच्छा है। आई गो माधवी चांद। अरे चाह लाओ ना माधवी। हाँ टिफिन लो। सब लिए बुक्स बराबर? हाँ माधवी चाह। आराम से डाल बेटा। माधवी सॉरी बोला ना मैंने, अभी भूल जाओ उस बात को। देखिए एक बार मैं आम के अचार में आम डालना भूल सकती हूँ, लेकिन कल की बात नहीं भूल सकती। बाप रे लगता है माधवी आसानी से नहीं मानने वाली, उसको मनाने के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा। वैसे रीटा ने सही कहा था, अब तो वैलेंटाइन बाबा का ही सहारा लेना पड़ेगा। माधवी माधवी मैं क्या कहता हूँ, हम लोग कल वैलेंटाइन डे मनाते हैं, कल हम लोग मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने चलते हैं। लेकिन मल्टीप्लेक्स में बिना दिमाग वाली औरतों को एंट्री है? हाँ। ना मतलब अरे वो सब छोड़ो ना माधवी, तुम सिर्फ हाँ कर दो, हम लोग मॉर्निंग शो देखने चलते हैं। मॉर्निंग शो क्यों? अरे सोनू इवनिंग शो के एक टिकट में जितना खर्चा होता है ना, उतने ही खर्चे में हम लोग तीन जन मॉर्निंग शो देख के आ सकते हैं। और क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लेक्स वही है, पिक्चर वही है और सीट भी वही है। मस्त नाश्ता वास्ता लेके जाते हैं। माधवी तुम नाश्ते में ना भाकरवड़ी लेना, चिवड़ा लेना और सैंडविच भी लेना, एक थर्मास में कोल्ड ड्रिंक लेना और एक थर्मास में कॉफी या तो चाय लेना। आहो मल्टीप्लेक्स का खर्चा भी क्यों करते हो, इसे भी दो तीन महीने बाद वो मूवी टीवी पे आने ही वाली है, तब देख लेना। अप्रतिम आइडिया। वो भी अकेले ही देखना। माधवी माधवी ए माँ आई। यार कितने मच्छर काटेगा।
हे भगवान, ये मच्छर। वैसे मच्छरों से विषय तो बहुत बढ़िया मिल गया, लेकिन कितने अनलकी लोग है बेचारे वो जो बेघर होते हैं। आज रात खुले में सोए तो पता चला। लेकिन बेघर लोग क्या खाकर अनलकी होते हैं? उनसे ज्यादा अनलकी तो हम हैं जिनके घर है और बाहर सो रहे हैं इन बीवियों की वजह से। कसम खा लेता हूँ अंजलि के सामने जुबान ही नहीं खोलूंगा। क्या हो रहा है? रात भर बाहर सोने के बाद भी जनाब को मस्ती सूझ रही है? हाँ, मुंह पर उंगली रख कर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है क्या? क्या कर रहे हो आप? अंजलि, मजाक नहीं कर रहा हूं। दिखता है पर इस वक्त नसीब साथ नहीं दे रहा। ओ, और मुझसे कुछ उल्टी बात ना हो जाए इसलिए चुप हूं। ओ हो, क्या बहाना है? अंजलि, लगता है बोलना ही पड़ेगा। ये नाटक नहीं है, तुम समझती क्यों नहीं? करेक्ट, हम कहां से समझेंगे, क्योंकि हम औरतों में तो समझ होती ही नहीं है। अंजलि प्लीज, एक बात को कब तक लंबा करोगी? भाई का पहाड़ बना रही हो या तुम? वो हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे, बातचीत थी ना। तुम जानती हो मैं औरतों की कितनी इज्जत करता हूँ। वो तो बातचीत में बात निकल गई तो हम लोगों ने कर ली। मान जाओ ना प्लीज अंजलि, देखो माफ कर दो अंजलि। प्लीज 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 प्लीज। अभी इतना प्लीज प्लीज कहने की भी कोई जरूरत नहीं है, मान गई, जाओ। आज के बाद किसी भी औरत पे कमेंट करने से पहले सोच लेना। अरे सोचने का क्या मतलब है? मैं आइंदा क्या, मैंने कभी किया ही नहीं, वो तो उस दिन ऐसे ही हो गया। सवाल ही नहीं, औरतें महान होती है। मैं जिंदगी में ऐसा कभी ना सोचता हूँ ना लिखता हूँ। जिंदगी में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अभी आर्टिकल लिख लेता हूँ। हाँ, आज के आर्टिकल का टॉपिक क्या है? कुछ खास नहीं, वैसे ही नॉर्मल नॉर्मल। नहीं नहीं, आपने लिखा मैंने पढ़ू? दिखाओ ना, देखो तो फिर भी। अरे नहीं नहीं अंजलि, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं प्लीज। अरे अंजलि, इसे इसे अरे इसे क्यों पढ़ रही हो? मच्छर और पत्नी। मच्छर और पत्नी दोनों में कई समानताएं होती हैं। दोनों हमेशा गुनगुन करती रहती है, दोनों खून चूसती है, दोनों एक बार काट ले तो बहुत वक्त तक जलन देती है। अंजलि अंजलि अंजलि, देखो 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 देखो, तुम समझो समझो अंजलि, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या होता है देखो, हास्य और व्यंग में है ना फर्क होता है। व्यंग व्यंग क्या होता है कि जब आदमी लिखता है ना तो वो व्यंग होता है, और जब हास्य लिखता है तो वो मतलब हास्य होता है, मतलब वो हंसाने के लिए लिखता है। जी, हास्य में क्या होता है मतलब पब्लिक का अच्छा मनोरंजन होना चाहिए। मतलब मैं जो ये लिखा है मैंने पब्लिक को हंसाने के लिए लिखा, मेरे विचार नहीं है ये, मानता ही नहीं मैं। क्या नहीं मैम, चरण और पत्नी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, आपने कहा और मैंने मान लिया। अब तो आप ना, आप मुझसे बात ही मत करना। अंजलि अंजलि, गोली बेटा एक मुझे भी देना। नहीं बाबा। अरे गोली, तुम्हारा लंच बॉक्स। गोली, लंच बॉक्स घर में खाओगे तो स्कूल में क्या खाओगे? सोमा, तुम इतना गोली पे गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर सकती। और गोली, खबरदार, अगर बड़े होने के बाद अपने पत्नी को उल्टा सीधा खा दो तुम्हें सीधा कर दूंगी, समझे? अरे पर मम्मी, मुझे बड़ा क्यों होने दो। चलो कोमल, अब मान भी जाओ ना, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा होकर नहीं रह सकते। मान लो कि तुम गुलाब जामुन हो तो मैं चाशनी, तुम ढोकला हो तो मैं चटनी, तुम पाव हो तो मैं भाजी, तुम खीर हो तो मैं तो तुम नींबू हो। खीर में नींबू, ये मम्मी कैसा कॉम्बिनेशन है? ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन है बेटे। पर रात तुम सब मर्द अपने बीवियों के तारीफों के पुल बांध रहे थे ना? कुमार, छोड़ो कल की बातें। कल की बात बुरा नहीं, हम लोग मिलके लिखेंगे नई कहानी। देखो कोमल, कल वैलेंटाइन डे है और मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर विद म्यूजिक का इंतजाम किया। रियली? अरे हाँ कोमल, तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर क्या, मैं तो कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट, कैंडल लाइट लंच भी कर सकता हूँ। मैं अभी आता हूँ। कहाँ चले? कैंडल लेने, और तुम तब तक कल के खाने की तैयारी भी कर लो। क्या
कैंडल लाइट डिनर घर पर? तुम्हें तो पता ही है जब हम होटल में बाहर खाना खाने जाते हैं तो घर वापस आते आते मुझे भूख लग जाती है, इससे अच्छा वैलेंटाइन डे घर पे ही मनाते हैं ना। हाँ। ओए रोशन मेरी जान, मेरी सोनी है, पता है कल पूरी रात बालकनी में सिर्फ तुझे ही याद कर रहा था यार। याद कर रहा था कि मुझे कोस रहा था। अरे नहीं नहीं रोशन, अच्छा तू मुझे एक बात बता, वैलेंटाइन डे पे तू जो बोलेगी ना मैं वही करूंगा। ओए तू कहे तो अपने हाथ पे टैटू लिखवा दूं और बड़े प्यार से मैं लिखवाऊंगा रोशन तुसी ग्रेट हो, आई लव यू रोशन। रोशन तू एकदम मैच है, तू एकदम खेलो जे खेलो। ओए हाँ हाँ तेरे प्यार में गेलो छू गेलो छू गेलो छू। चल चल सिद्धो बोरिनी। ओए रोशन तू यार गल्ला छाड़ यार, बोल रोशन कल फिर वैलेंटाइंस डे पे क्या करना है? अच्छा तो कल हम लोग मूवी देखने जाएंगे। ओ मंजूर है। शॉपिंग पे जाएंगे? ओ वो भी मंजूर है। उसके बाद डिनर पे भी जाएंगे? ओ बिल्कुल मंजूर ही मंजूर है। मेरे मम्मा पापा के घर जाएंगे। ओए पापा। ओए वो भी मंजूर है मेरी सोनी है, अब तो मान जा। आपकी गड्डी आज नहीं दे सकता, कल पक्का दे दूंगा। सॉरी किशोर भाई, कल नहीं, कल तो मेरा गिराज बंद है यार, और परसों पक्का दे दूंगा। नहीं किशोर भाई सुनो, अरे सुनिए तो। अच्छा किशोर भाई आपकी गड्डी कल ही दे दूंगा। अच्छा नमस्कार। सॉरी रोशन, वो किशोर भाई अपनी बहुत पुरानी पार्टी है तो उनकी गड्डी ना कल देना बहुत जरूरी है। और रोशन हमने आज जो प्लान अभी अभी बनाया ना, वो जैसे तूने कहा वो सब करेंगे लेकिन कल की बजाय परसों। ठीक है रोशन? ठीक है। यस मेरी जान, आई लव यू लव यू लव यू। तो परसों तू अकेले ही जाना। ओए पापा जी। ओए रब्बा मैं क्या करूं, मेरी लाइफ की गड्डी का एक टायर लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा टायर राइट जा रहा है, और पुत्र जी क्या करूं? ओए पापा आपकी गड्डी गई पानी में। ओए चुप। क्या है ये? नबिता वैलेंटाइन डे के लिए मैंने मूवी के दो टिकट खरीदे। अच्छा अच्छा कॉर्नर सीट्स है? दो अलग अलग कॉर्नर्स के हैं? नहीं तो मैं फिर तुम्हारे साथ मूवी के लिए नहीं जाने वाली हूँ। अरे 400 का एक टिकट है। तो मुझसे पूछ के टिकट लाए थे तुम? लगा ने सच ही कहा है, और तो कोई अक्कल होती ही नहीं है। व्हाट बबीता, अरे दया चाय ला जल्दी। और मेरा टिफिन बॉक्स भी? नहीं माँ नहीं। अरे माँ इतनी बड़ी बात, बचपन से लेके आज तक तूने मुझसे छुपा ही क्यों? अरे और कौन सी बात? यही कि मुझ में दिमाग नहीं है, ये बात। और कौन कहेगा? हाँ हाँ अक्कल घोट ने ही कहा है। एक मिनट माँ फोन तुम चालू रखो, देती हूँ। लीजिए अक्कल खोट, माँ ने आपका नया नाम रखा है अक्कल खोट। अरे लीजिए बात कीजिए, फोन चालू है। हेलो, फोन काट दिया माने? कोई बात नहीं मैं फिर से। अरे भाई छोड़ ना, बाद में बात कर लूंगा, तो चाय लाना जल्दी। अरे खड़े क्या, चाय ला। आज तक मैं यहाँ चाय बनाती थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरे में दिमाग नहीं है। आज मुझे पता चला कि मेरे पास दिमाग नहीं है। अब बिना दिमाग के चाय कैसे बनती है वो मैं नहीं जानती, इसलिए मैं अभी यहाँ पर
खड़ी हूँ। अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही रूठ गई है, कैसे मनाऊं? देखा कल वैलेंटाइन डे है, क्या गिफ्ट चाहिए तुमको? ओ कल क्योंकि वही तो नहीं है ना मेरे पास। बस अबे क्या अक्कल नहीं है, दिमाग नहीं है, अक्कल खोट क्या है सब? मैं कब से तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो उपकार कर रहे हो आप मुझ पर प्यार से बात करके? अरे इसमें उपकार कहाँ से आया था यार? हाँ, तो उपकार नहीं तो मेहरबानी। हाँ, आप जिस तरह अभी बोले ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाप रे, मम्मी पापा के बीच में नोकझोंक तो बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं तिल का ताड़ होना, राई का पहाड़ होना और बात का बतंग खड़ो जाना। बात जरा सी थी लेकिन पति पत्नी के बीच में ये चिंगारी लगता है आग बन के भड़क चुकी है। गोकुलधाम सोसाइटी में झगड़ा बढ़ गया है पति और पत्नियों के बीच में। कई बार जब बिजनेस में झगड़ा हो जाए तो लेन देन बंद हो जाता है। अगर नेता अपनी ही पार्टी से झगड़ बैठे तो पार्टी बदल लेता है, लेकिन यहाँ पति पत्नी क्या करें, बोल चाल बंद हो गई है और मुझे लगता है कि ये तूफान बहुत बड़ा होने वाला है। हमारे देश में अगर नेता लड़ते हैं तो जनता परेशान होती है और यहाँ बच्चे परेशान हैं, मासूम बच्चों को लग रहा है ये क्या हो गया। हमारे मम्मी पापा के बीच में ये तूफान कैसा, अब क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन टप्पू सेना और टप्पू उनके चेहरे पे मुझे देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। वो क्या करने वाले हैं, क्या ये झगड़ा शांति का रूप धारण कर लेगा या और विकराल रूप धारण करेगा? देखिए गोकुलधाम में कुछ भी होता है सामान्य तो नहीं होता, बढ़ चढ़ के होता है। और आप भी जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो सामान्य रूप से नहीं हंसते, बढ़ चढ़ के हंसते हैं। तो आप देखते रहिए और इंतजार कीजिए कि टप्पू सेना क्या करेगी। यहाँ शांति होने वाली है या तूफान मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में सिर्फ ठहाक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, देखते रहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।